तो आइए दोस्तों, हम इस पैच की प्लेइंग देखते हैं। पैच कैसे प्ले होगा दोस्तों? पैच आप गाने के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आ सकता है। इसमें कोई पैटर्न नहीं कि ये पैटर्न एक हैंड ऐसे चलेगा, दूसरा हैंड ऐसे चलेगा, ऐसे इसमें कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आपको हम बता देते हैं कि कैसे कहाँ पर क्या आपको बजाना है। जब स्टार्ट होगा दोस्तों, तो आपको कुछ ऐसे बजाना है। कैसे दोस्तों? देखिए ये जी, कैसे जब आप गाने को सुनेंगे तो उसी हिसाब से आप इसको प्ले कर पाएंगे। बाकी अगर नहीं आपको ये सब प्ले करते बनना है तबला स्टार्टिंग में, तो आप केवल घुंघरू यहां पर बजाइए। जैसे प्ले हो रहा है गाने के हिसाब से, उसके बाद में दोस्तों आपका पैटर्न ये आता है। इसके बाद में दोस्तों आपका पैटर्न आता है यहां पर आपको। ये करना है आपको कितनी बार, जब आप गाने को सुनेंगे तो आपको अनुभव होगा कितनी बार हमें वेट करना है। उसके बाद में दोस्तों इस सर्किट के बाद ये आपका आता है घुंघरू, ये 2 बार वेट करना है ये चीज। एक बार फिर इसके बाद आप दोस्तों आपका पैटर्न ये आता है यहां से स्टार्ट होगा। कैसे? ये चीज पहली बार बीट करते हैं तो डबल, ये डबल होगा। फिर दोबारा बीट करने के बाद सिंगल, ये चीज। उसके बाद ये बीट करने के बाद फिर आपका आता है दोस्तों ये चीज। इसके बाद दोस्तों आपका आता है कुछ ये पैटर्न। अगर आप इसको बीट करें तो और अच्छा भरा होगा। कैसे दोस्तों? ये चीज कैसे बीट हो रहा, मतलब यहां पर डबल करना है ये आपका। उसके बाद में फिर वही पैटर्न आपका आ जाएगा, और फिर इसमें एक त्रिकेट आता है, एक मुखड़ा आता है, डफ स्टाइल में बजता है। लेकिन मैंने कोशिश की कि इसी पैच में उसको बना दिया, इसको बजाने का प्रयास किया है, तो एक ही पैच में सब कुछ है। ये बटन दोस्तों आपका आता है कैसे? दूसरे अंतरा में स्टार्ट, अंतरा के स्टार्ट से पहले आता है म्यूजिक। और पहले अंतरा में कुछ ये म्यूजिक बजता है अंतरा स्टार्ट होने से पहले, ये चीज दोस्तों देखिए। फिर उसके बाद में वही, तो दोस्तों उम्मीद है प्लेइंग आपको समझ में आएगी। जब आप गाने के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आपको अनुभव होगा, बजाने का प्रयास होगा। तो चलिए हम इस पैच की एडिटिंग देखते हैं।